सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपका कट ऑफ, ठीक है, ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल। इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं बीपीएससी सैनिटरी का, भी बता दो, ठीक है। पहले देखिए इसका कट ऑफ का, देखिए क्या रेंज है, तो उससे आइडिया लग जाएगा आपका क्या खेला हो रहा है। यूआर का देखिए, इसका एग्जाम हुआ था आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर सिविल जितने भी है बीपीएससी के थ्रू, उसका पैटर्न क्या है कि 80 क्वेश्चंस होती हैं, इच क्वेश्चन होते हैं 0.5 मार्क्स का, टोटल होते हैं 40 मार्क्स का एग्जाम्स, ये रिटेन एग्जाम्स जो ये कट ऑफ है रिटेन का। इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि आपका जो 80 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल, आपका 30 क्वेश्चन होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसमें दो पार्ट है, ये है टेक्निकल फुली और ये है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। तब ये बनता है टोटल 80 क्वेश्चंस, इच क्वेश्चन होता है 0.5 मार्क्स, तब होता है 40 मार्क्स का एग्जाम्स, उसी का ये कट ऑफ है। एक बार पहले कट ऑफ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या डिफरेंस। नहीं तो यूट्यूब पर क्या किया है, बहुत सारा यूट्यूबर कंपेयर कर दिया है बीपीएससी सैनिटरी से इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स का। नहीं, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो फंसेगा। रीजन्स बताएंगे आपको, तीन चार रीजन्स बहुत बेसिक्स रीजन्स हैं, दोनों का डिफरेंस है, और उसके बाद आपको मार्क्स पता भी चल जाएगा कि कैंडिडेट क्यों ऐसा कम हो रहा है। जैसे फीमेल कैंडिडेट में EWS की यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल में EWS, SC, ST या EBC का कट ऑफ ही नहीं बता रहे, क्या रीज़न हो सकता है कि इसका कट ऑफ नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, इसमें डिफरेंस आप देखिएगा, फिर आप खुद से जज कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है सैनिटरी का, रहते देन की यूट्यूब पे जो आपको बताया जा रहा है कि इसे इस तरह से कट ऑफ, ऐसा नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसे देखिए, आउट ऑफ 40 यूआर का है 26.5, ईडब्ल्यूएस का है, ये मेल कैंडिडेट का है 15.50, एससी का है 12.50, एसटी का है 15.50 और ईबीसी का है 13 और बीसी का है 21, ठीक है। ये है मेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट में देखिए सिर्फ दो कैटेगरीज का कट ऑफ दे रखे हैं, ये पूरे बीपीएससी साइट से लिए हैं, बीपीएससी साइट पे देखिए इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट है, उसमें डाउनलोड करके सबसे लास्ट पेज में होता है कट ऑफ, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूआर का फीमेल का है 16 और आपका बीसी का है दिया है 12.5। याद रखिएगा बीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर का मिनिमम 12 मार्क्स है कट ऑफ, आपको 12 मार्क्स लाना भी है किसी भी कैटेगरी से, क्यों नहीं, दिस इज द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर, इस सब के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स था, इस मार्क्स इससे कम मार्क्स आप करेगा आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, ये रूल था रिटेन एग्जाम्स का, याद रखिएगा ये पॉइंट। इस तरह से ये कट ऑफ है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि सैनिटी का, ठीक है, अब याद रखिएगा कट ऑफ 26, 15, 12.5, 15, 13, 31, 16 एंड 12.5, इतना ही कट ऑफ है। अब बात करते हैं सीट्स का, ठीक है। सैनिटरी में इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सीट कितनी थी, इसमें भी है 287 सीट, ये करेक्ट है, ठीक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी में ये सीट्स कितनी है 286, ये सही है, यहाँ पे कंपेयर सही है, दोनों का सीट्स इक्वल है, ठीक है। बट आप देखिए इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितना एग्जाम है ना, एग्जाम में अपियर हुआ था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जाम में कितना अपियर हुआ था, किसी को पता है? और सैनिटरी में देखिए, सैनिटरी में 39,000 फॉर्म फिलअप किया है, 39 के कितना फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए 50% भी अगर एग्जाम दिया होगा, 50% अराउंड 18 to 20, के मतलब 18,000 से 20,000 स्टूडेंट क्या किया होगा, एग्जाम दिया होगा, ठीक है। एग्जाम अपियर इन एन एग्जाम,
अपियर इन एग्जाम्स, ठीक है। तो कितना, 20 से 18 से 20 हज़ार कम से कम, सीटें कितनी है 286, ये है सैनिटरी का सिनेरियो, ठीक है। और इसमें एक और है कैटेगरी, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या था, बीटेक और सिविल आर्किटेक्ट और बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी और बायोलॉजी, पता नहीं था कि नहीं, केमिस्ट्री एक सी, और ये सब था मिनिमम क्वालिफिकेशन। और इसमें और एक और है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे आते हैं आप। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है किसी को पता है, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1400 एग्ज़ाम दिए, कितना 1400, जस्ट कंपेयर, यहाँ पे कितना एग्जाम दिया 14000, एक जीरो बैठा दीजिएगा उससे भी ज़्यादा है 1400 में से 287 सीटें, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, ये एमटेक है, क्या है एमटेक, सिर्फ एक ही ब्रांच का चाहिए था, इलेक्ट्रिकल। अब आप ही बताओ, कोई बीटेक करके फिर एमटेक, और ये 2020 का फॉर्म है, ये 2022 का फॉर्म है, 2020 तक में कितने लड़कियां जो बीटेक प्लस एमटेक वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से करके खाली बैठी हुई, जनरली कंप्यूटर ईएससीएससी ईसी और इलेक्ट्रिकल समय प्लेसमेंट लगभग हो ही जाते हैं सबका, गर्ल्स का, और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं इसका गर्ल्स में जो बीटेक प्लस एमटेक करते हैं इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। रेशियो बहुत कम है, पहले तो इंजीनियरिंग में ही गर्ल्स की रेशियो कम थी, आजकल अच्छा खासा रेशियो है, बट ये 2020 का है, डेट मीन्स हुआ जो 2020 में बीटेक कर रहे हैं उनका एमटेक कर रहे हैं उसका बीटेक 18 से पहले होना चाहिए, तभी आप एमटेक कंप्लीट कर सकते हैं। डेट मीन्स हुआ बीटेक का स्टार्ट ये कर रहे हैं 2012-14 में, जस्ट इमेजिंग 2012-14 में ना, 2012 और 14 में तो ये कितनी गर्ल्स आपके क्लास में होती थी बीटेक इंजीनियरिंग क्लासेस में, बहुत कम, रेशियो बहुत कम है, ठीक है। तो कंपेयर मत करिए दोनों का, बिकॉज जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर्स का है, इन चार चीज़ें याद रखिएगा। इसमें पहला है सीट कंपेयर कर सकते हैं, सीट ठीक है 47, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 47 हुआ एग्जाम, ये इम्पोर्टेंट है, 1400 के आसपास हुआ है। इसमें देखिएगा स्पेशलाइज्ड है एक ही सीट के लिए, कौन से इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एमटेक है, और इसके बाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन एमटेक, और आपका ये 2020 का फॉर्म है, इसीलिए आपको देखिएगा तो देख सकते हैं आप, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे था, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सीटें उनके लिए रिजर्व है, ठीक है, उतना भी कैंडिडेट नहीं मिला, दैट मीन्स इसीलिए इसका कट ऑफ नहीं है। सिमिलरली एससी में जितनी उनको सीट चाहिए, सीट रिजर्व किया गया फीमेल के लिए, 35% आरक्षण है ना जी, 5% आरक्षण नहीं रहता तो ये कट ऑफ आता ही नहीं, तो एससी में कैटेगरी में भी उनको गर्ल्स नहीं मिला, इसीलिए इसका कटअप जारी नहीं है। एसटी कैटेगरी में भी गर्ल्स नहीं मिला, डेट मीन्स जितने सिटी रिजर्व है उतना भी गर्ल्स नहीं है उस कैटेगरी में, इसलिए इसका कटअप नहीं है। वैसे ईबीसी कैटेगरी में नहीं है, समझ में आया ना, इसलिए ये कटअप इस तरह से, ना कि ये कटअप कंपेयर कर दीजिएगा कि 40 में 12 पॉइंट इतना लिया तो ये यहाँ पे, बिल्कुल नहीं ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो फिर ऊपर हो जाएगा, समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए आप कंपेयर मत करिएगा, दोनों में कंपेयर नहीं करना है, किसके किसके बीच में, वो बीपीएससी सैनिटरी और तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स इलेक्ट्रिकल, दोनों को कंपेयर नहीं करिए। जहां तक रहा
कट ऑफ की बात, ठीक है। कट ऑफ देखिए, किसी भी एग्जाम्स का आजकल के डेट में जो बिना इंटरव्यू का है, याद रखिएगा सबसे बेसिक डिफरेंस एक और है, बीपीएससी सैनिटरी, सैनिटरी में एक सबसे बेसिक डिफरेंस है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस का मार्क्स नहीं है, ठीक है। और उसमें देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, एकेडमिक मार्क्स नहीं है, एकेडमिक मार्क्स नहीं है इसमें। इसमें देखिएगा आपका रिटेन एग्जाम तो था ही, ठीक है, इसमें एकेडमिक्स मार्क्स भी था, दैट मीन्स हुआ बी टेक प्लस एम टेक पीएचडी, ये सब का मार्क्स एड हो रहा है। इसके बाद एक्सपीरियंस भी था, एक्सपीरियंस मार्क्स, फिर आपका इंटरव्यू भी था, तो इस पैटर्न से इसका एग्जाम था, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग, इसमें स्पेशलाइज था, सबसे पहली बात इसमें स्पेशलाइज है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे सिविल है, एमएससी है, ठीक है, इसके बाद आर्किटेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट है। आप बताइए इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 20,000 है, सीटेक 286 और इसमें था 1400 स्टूडेंट और सीट था 287। आप कट ऑफ का कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों? बिल्कुल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसे मोटा मोटी कट ऑफ देखिएगा क्या रहेगा, जनरली जो आजकल बिना इंटरव्यू के एग्जाम में होता है, कट ऑफ आपको 60% से प्लस होना ही पड़ेगा हर हाल में, ये मिनिमम है, मिनिमम 60% है आपको, कम से कम 62-65% मार्क्स से अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तब आपको माना जा सकता है, क्योंकि आप इसका देखिएगा असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर सिविल जो 0119 वाले का कट ऑफ देखिएगा, उसमें मोर देन 70% कट ऑफ जा रही है। 400 का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 280 पर सेलेक्शन हो रही है, कंपेयर कर लीजिए, 280 प्लस पर सिलेक्शन हो रहा है, 400 का एग्जाम हुआ था, तो ये कितना जाएगा कट ऑफ। और उसमें भी सीट 243 सीटें थी और लगभग 9,000 स्टूडेंट एग्जाम दिया था, तब ये कट ऑफ है इसका। तो ऐसे ही कंपेयर करते ना कि यूट्यूब देख के आप लोग, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा फेक न्यूज़ है, इसे मत कंपेयर करिए। आप कट ऑफ अगर आप यू आर, बार बार बताए यू आर बी सी कैटेगरी, अगर आपको 62-65% मार्क्स नहीं है आउट ऑफ 200, देन आपका श्योरिटी नहीं है, याद रखिएगा, कम से कम 62-65% मार्क्स, तभी आपका अच्छा कंपेयर है। और गर्ल्स के लिए आप ये मत सोचिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर में ना, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए बता दें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका कैंडिडेट नहीं मिला, यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक है। अब बीटेक है 2022 का फॉर्म है, बताइए कि जो 2018 2019 2020 2021 चार साल में तो गर्ल्स बढ़ गई ना कॉलेज में, देखिए ना कितनी गर्ल्स है, सिर्फ एक ही नहीं है ना, यहाँ पे देखिएगा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो गर्ल्स बहुत है, इसके बाद आर्किटेक्ट है, इसमें कम होगा बट इसमें ज़्यादा है, फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी, इसमें तो मैक्सिमम गर्ल्स ही रहती है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स भी ज़्यादा है, तो इसे मैं सोचिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में गर्ल्स नहीं मिला था कटअप को, अभी कटअप हाई रहेगा, चूँकि एक ही फेज में यहाँ पे रिटेन एग्जाम से डायरेक्ट जॉब्स है, ठीक है, बीच में कोई भी फेज नहीं है। और वहाँ पे सबसे सबसे असिस्टेंट प्रोफेसर में इम्पोर्टेंट बात था मैथमेटिक्स, ठीक है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था उसमें बहुत टेंशन था, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कमजोर पार्ट होता है, इसलिए वहाँ पे कटअप कम हो रही है, दैट इज द रीजन, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए, दोनों एग्जाम सेपरेट, पैटर्न सेपरेट है, एवरीथिंग इज अलग अलग लगे, ठीक है, डोंट कंपेयर द बोथ एग्जाम्स। यही हमारा सजेशन रहेगा कि आप फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। यही था आज का वीडियो, थैंक यू।